सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पाठक व्लॉग्स में, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त निशांत पाठक। सो यार, आज का व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी DSLR कैमरा रखते हैं और कोई भी लेंस खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो ये आज का व्लॉग है कि अगर आप यूज लेंस प्लान कर रहे हो खरीदने का, तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए कभी भी अगर यूज लेंस खरीदते हो। तो यार, मैंने जो लेंस फाइनल किया है वो किया है OLX से, और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली CP उसको लेने के लिए, और मेरे साथ है ऋषभ। अभी ऋषभ को मैं पिक करूंगा रास्ते में। ऋषभ से आप मिल ही चुके हैं अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आज फिर से इंट्रोड्यूस करा देंगे उस भूचाल बॉय को आपसे। तो चलो फिर यार चलते हैं दिल्ली में। एक्चुअली 8 महीने से नहीं गया हूँ बिकॉज ऑफ कोविड, और आज मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लेंस लेना है यार, वो व्लॉगिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैं लेंस लेने वाला हूँ वो है कैनन 10-18mm, और वाइड एंगल लेंस है, और मेरे कैनन M50 के लिए सूटेबल है, और मेनली वो व्लॉगिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, पोर्ट्रेट फोटोज के लिए बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं वो लेने जा रहा हूँ। चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप कोई भी यूज लेंस खरीद रहे हो OLX से या किसी भी वेबसाइट से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, स्टे ट्यून। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो गाइस, स्टूडेंट फ्रेंड की हाल चाल, ससरे अकाल, आई एम ऋषभ तिवारी। आज मचाएंगे भूसा। सर, अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग में मेट्रो स्टेशन पर, अब मेट्रो से आगे जाएंगे हम CP तक। चलो फिर चलते हैं यार आगे, मेट्रो पकड़ते हैं और आगे चलते हैं CP। One hour later. यार मेरे साथ है राहुल सैनी भाई से। मैंने OLX से अभी एक लेंस खरीदा है, तो ये लेंस है अपने पास। इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए अगर आप कभी भी यूज लेंस खरीदते हो। तो मेरे को अच्छा मिला है, मेरे को अभी तक इसकी कंडीशन बहुत सही लग रही है, मैंने यूज भी करके देखा है इसको, बाकी इन डिटेल मैं आपको जल्दी बताता हूँ। सो गाइज, आई एम बैक एट होम, और मैं लेंस मैं ले चुका हूँ। मैंने जो ये यूज लेंस खरीदा है मेरे को बहुत अच्छी डील मिली है, और इसको खरीदने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यार मेरे को एक्चुअली व्लॉगिंग के पर्पज़ से कोई लेंस लेना था और वाइड एंगल लेंस लेना था। तो अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये है मेरा 15-45mm किट लेंस। तो इसमें ज़्यादा वाइड नहीं है, आपको इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा स्पेस। अभी मैं उसको चेंज करता हूँ अपने, जो मैंने नया लेंस, मतलब नया नहीं, जो यूज लेंस मैंने खरीदा है अभी, वो 10-18mm। बट ये 10-18mm इट डजेंट मीन कि ये 10mm होगा, ये होगा 10x1.6, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो है क्रॉप सेंसर कैमरा। तो जो भी क्रॉप सेंसर कैमरा होगा उसमें क्या होगा कि मल्टीप्लाई बाय 1.6 हो जाता है। जैसे 10mm है तो वो 10x1.6 अराउंड 16mm के अराउंड वो वाइड एंगल व्यू देगा। बट वो मच बेटर है अगर आप व्लॉगिंग करते हो और आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा है, वो मच नीडेड लेंस है आपके लिए। और इस वाले व्लॉग में मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि आपको क्या बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप OLX के थ्रू या कहीं से भी यूज लेंस खरीदते हो। सबसे फर्स्ट रीज़न क्या है यूज लेंस खरीदने का कि यार ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है। अब जो लेंस मैंने लिया है वो मार्केट रेट अगर मैं ट्राई करता हूँ तो 19,000 का मेरे को मिल रहा था, मैंने कैनन स्टोर पे जाके पता किया था CP में, और ये मेरे को 19,000 का मिल रहा था। और अभी मेरे को ये जो यूज लेंस मिला है ये अराउंड 8-9 months पुराना है, और इसकी अभी भी वारंटी बची हुई है, और ये मेरे को मिला है 11,000 में। तो यार ऑब्वियसली कॉस्ट जो एफिशिएंट ये है, जितनी कॉस्ट बची है सही रेट में मिल गया है, एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा यार मेरे को जो ये लेंस मिला है ना ये बिल्कुल नई कंडीशन में है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप कोई भी यूज लेंस खरीदने जाते हो। तो बेसिकली मैंने ये वाला लेंस खरीदा है, देखो कैनन का,
ये एफ 4.5 to 5.6 और ये है 10 to 18 mm, 10 to 18 mm, 4.5 to 5.6 और ये कैनन लेंस है। ये बिल्कुल मतलब मेरे को सब कुछ इसके साथ मिला है, मेरे को इसके साथ बिल भी मिला है और मैंने इसको फिजिकली भी चेक किया है और इसको टेक्निकली मतलब कैमरे में लगा के चेक किया है। तो पहले मैं आपको इसकी लेंस को एक बार चेंज करके व्यू दिखा देता हूँ कि किस रीज़न की वजह से मैंने ये ख़रीदा है। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो कि पहले जो मेरी ये चेयर थी यहाँ तक दिखाई दे रही थी और अभी ये व्यू यहाँ तक आ रहा है। तो यार यही कमाल है वाइड एंगल का, जब भी आप व्लॉगिंग करते हो तो आप प्रेफर करते हो कि आप जितना ज़्यादा हो सके व्यू को कवर करो अपने कैमरा के अंदर, और बस इसी रीज़न की वजह से मैंने इसको ख़रीदा है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अभी हम 10-18 mm पे शूट कर रहे हैं। तो चलो फिर लेंस के बारे में आगे मैं बताता हूँ कि क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए आप कभी भी यूज लेंस खरीदते हो। तो सो गाइस, एक बार फिर से हम आ चुके हैं 1545 mm पर। तो यार मैं आपको बताता हूँ, एक तो लेंस में फिजिकली आपको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। इसकी कंडीशन आप देख सकते हो, बिल्कुल नया लेंस है, आपको बॉडी देख के ही पता लग जाता है अगर कोई भी लेंस में कमी हो या कोई भी लेंस में मतलब कहीं गिरा है या कोई भी डैमेज हुआ है, तो वो चीज़ आपको देख के पता लग जाती है। एक तो फिजिकल डैमेज आप देख सकते हो, सेकंड चीज़ यार ये लेंस अगर आप M50 में लगाते हो ना तो आपको जरूरत पड़ती है अडेप्टर की, मैं दिखा देता हूँ। तो ये अडेप्टर लगता है, इसी के साथ आप इसको M50 पे यूज़ कर सकते हो। तो ये कैनन का अडेप्टर है जो मैं यूज़ करता हूँ। और दूसरा यार हुआ क्या था, एक्चुअली जब मैं गया था इसको लेने के लिए तो यार मैं अडेप्टर घर पे भूल गया। मैं सब कुछ लेके गया था, मैं कैमरा भी लेके गया था, मैं इवन अपना लैपटॉप लेके गया था फोटोज़ कैप्चर करने के लिए, उसके बाद उसको लैपटॉप में चेक करने के लिए, बट मैं क्या भूल गया, मैं अडेप्टर भूल गया। उसके लिए हम लोग कैनन के स्टोर पे गए, वहाँ पे हमने उसको लेंस को यूज़ किया और फिर मैंने फ़ोटोज़ को चेक किया, उसकी क्वालिटी चेक करी, ये सारी चीज़ें हुई। तो यार बेटर है कि आप सारी चीज़ें घर से लेके जाओ, लेंस को अपने कैमरा में लगा के देखो, जहाँ भी जिससे भी आप खरीद रहे हो तो सारी चीज़ें चेक करो कि यार आपका जो लेंस है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मेरे से वही एक गलती हो गई थी और ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यार जो चीज़ मैं चेक करने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास जो एसेसरी है, जो मोस्ट रिक्वायर्ड एसेसरी है, वो ही नहीं है मेरे पास। बट फ़ायदा क्या हुआ कि यार हम गए थे सीपी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे कैनन का फ्लैगशिप स्टोर है, तो हम फ्लैगशिप पे गए और वहाँ पे जाके हमने उसको चेक कर लिया, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो गया था। और अच्छी बात क्या है, जो सेलर था राहुल, उसने खुद ने मेरे को सजेस्ट किया कि यार आप कैनन के फ्लैगशिप स्टोर पे जाओ और आप चेक कर सकते हो। तो यार ये भी मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, अगर सेलर आपको इतना मतलब सपोर्टिव मिल रहा है कि यार आप चेक करो जैसे भी आपको करना है। तो यार क्योंकि लेंस में अगर कमी नहीं है तो वो ऑब्वियसली आपको बोलेगा कि आप चेक कर सकते हो जैसे भी करना चाहो, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी सही लगी कि यार मेरे को वहाँ पे ट्रस्ट उन्होंने मेरा जीत लिया था कि हाँ ठीक है इसमें कुछ कमी नहीं है, बट फिर भी फॉर माय कंफर्मेशन मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा कि लेंस कैसा है और वो कैसा वर्क कर रहा है। तो एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, जो बेसिक चीज़ है कि आपको लैपटॉप साथ में लेके जाना है फर्स्ट थिंग, और आपको कैमरा बॉडी लेके जानी है साथ में सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर आप OLX या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से आप खरीद कोई भी यूज लेंस, तो आपको यार सेलर वाली लोकेशन पे ना मिलके आप कोई भी मीडिएट लोकेशन पे मिल सकते हो कि हाँ आप भी बीच रास्ते आओ, सेलर भी आए, जिससे कि आपको यार कई बार फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कोई अननोन लोकेशन पे ना जाओ, तो कोई एक मीडिएट लोकेशन पे आप मिलके प्रोडक्ट को देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ सर, एक चीज़ अगर आपको फिजिकली इसमें चेक करनी है लेंस के अंदर, तो आप तो इसका जो बैक साइड है ना, बैक साइड में ना डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो आपको ये बैक साइड में डस्ट पार्टिकल्स चेक करने हैं और ये फ्रंट में भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी चेक करने हैं। तो उसके लिए यार एक चीज़ है, आप अपना फ़ोन उठाओगे और फ़ोन से आप अपनी फ्लैश लाइट ऑन करोगे। फ्लैश लाइट को अगर आप बैक साइड से इसमें फ्लैश लाइट को लगाओगे तो आपको फ्रंट स्क्रीन पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स पता लग जाते हैं, अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो। ये भी आप चेक करना है आपको कि डस्ट पार्टिकल्स एक्चुअली फ्रंट स्क्रीन पे हैं कि नहीं। तो वो जैसे ही आप बैक साइड से लगाओगे तो फ्रंट में लाइट आती है, लाइट से आपको पूरा इसका फ्रंट वाली जो स्क्रीन है, ग्लास है, वो विजिबल हो जाता है कि उस पर कोई डस्ट पार्टिकल है या नहीं अंदर। तो ये एक चीज़ आपको चेक करनी है। और सेकंड चीज़ क्या है कि यार आपको इसका फोकस चेक करना है, ये फोकस रिंग सही से मूव हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये जूम वाली रिंग चेक करनी है कि यहाँ पे कहीं पे अटक नहीं रहा है और जूम रिंग जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि आपको इसको कैमरे में लगाना है, और इसमें है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस और स्टेबलाइजेशन। तो आप ऑटो फोकस पे भी आपको फोटोज कैप्चर करनी है और मैनुअल फोकस पे भी आपको फोटो और वीडियो दोनों चेक करनी है, जो कि मैंने की थी जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था।
सेकंड आपको स्टेबलाइजेशन ऑन भी करके चेक करना है और ऑफ भी करके चेक करना है। तो ये दो चीज़ें होगी टेक्निकल जो आपको चेक करनी है, स्टेबलाइजेशन चेक करना है और ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में डाल के इसको चेक करना है। सो नेक्स्ट आपको चेक करना है कि यार डिफरेंट अपर्चर्स पे ये कैसी इमेजेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, और उनको चेक करने के लिए आपको लैपटॉप साथ में कैरी करना है जिसमें आप डाल के आप चेक करोगे कि कोई भी इमेज में आपकी कोई स्पॉट नहीं आ रहा है या इमेज क्वालिटी कहीं पे कोई नॉइस नहीं है इमेज के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आप लैपटॉप ले जाओगे, अपना मेमोरी कार्ड डाल के उसमें चेक करोगे और डिफरेंट अपर्चर्स पे उसको आपको फोटो कैप्चर करना है। तो ये यार ये थर्ड टेक्निकल चीज़ होगी कि आपको कैमरे के लेंस को चेक करना है। दूसरा यार आप इसको ऐसे हिला के चेक करोगे कि अगर इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, हल्की फुल्की आवाज़ आती है तो वो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपको ज़्यादा कोई रिंग की आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब है कि यार कैमरा कहीं ना कहीं गिरा है या किसी वजह से उसमें कुछ अंदर डैमेज हुआ है, उसकी वजह से वो आवाज़ आ रही है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपको चेक करना है। तो अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इज़ आपको ये रिंग चेक करनी है, जो भी फोकस रिंग होती है ये फोकस रिंग चेक करनी है। सेकंड आपको ये जूम इन जूम आउट चेक करना है। थर्ड आपको ये ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में लगा के चेक करना है। फोर्थ आपको स्टेबलाइजेशन चेक करनी है। फिफ्थ आपको लाइट यहाँ से लगा के, बैक साइड से लाइट लगा के फ्रंट स्क्रीन फ्रंट ग्लास पे आपको चेक करना है कि कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है। सिक्स्थ आपको चेक करना है कि यार ये कहीं इसमें अंदर कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो यार ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है अगर कभी भी आप यूज लेंस खरीदते हो। आई होप कि ये मेरी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बताई हैं आपकी थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको अगर आप कभी भी यूज लेंस खरीदते हो इन लाइफ। तो यार अब हो गया इस व्लॉग को साइन ऑफ करने का टाइम। मेरे को बहुत अच्छी डील में बहुत अच्छा लेंस मिल गया है। आई होप कि आपको भी एक अच्छा लेंस मिल जाए और ये जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनसे आपको थोड़ी मदद मिले। तो यार अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कर दो, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए। सो थोड़ी सी मेरे को इंकरेजमेंट मिलेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब पाठक व्लॉग्स ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। सो गाइस तब तक के लिए अपना लास्ट जो डायलॉग बचा है वो क्या है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए।